खाने के जायके को कई गुना बढ़ा देती है और ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव रखती है। तो इसकी काफ़ी सारी वैरायटी होती है। आज एक चटनी बनाएंगे, खजूर की चटनी, और इसका यूज़ मैंने रिसेंटली वीडियो जो डाला था दही वड़ा चाट व्रत के लिए, उसमें यूज़ किया है। तो बस आज वही वाली चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सामान, और उससे पहले नमस्कार, मैं शिखा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी किचन में आप सभी का। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर की चटनी, तो देख लेंगे क्या क्या चाहिए। 50 ग्राम्स के करीब खजूर लेने हैं, और इसके जो बीज हैं उनको हटा देना है, और ऊपर ऐसा डंठल वाला पार्ट होता है ऐसा वाला, बस इसको भी हटा देना है। और इसके साथ ही 50 ग्राम्स के करीब ये गुड़ है, 50 ग्राम्स किशमिश है, उसके साथ मसाले लेने हैं, चिली फ्लेक्स, ये सौंठ पाउडर है, भुना हुआ जीरा है, अध कुटी काली मिर्च है। तो बस इतना ही चाहिए। मसालों का रेशियो मैं जब यूज़ करेंगे तब बता दूंगी आपको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, इसके बीज जितने हैं हटा देने हैं, और उसके बाद गुड़, किशमिश और ये खजूर, तीनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। 1 से 2 टेबल स्पून पानी का यूज़ कर सकते हैं आप पीसने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके बीज को हटा देते हैं। बीज को हमने हटा दिया है, और अब इसमें डालेंगे खजूर, इसके साथ ही डालेंगे ये गुड़, अब इसमें डालेंगे किशमिश, और ये जो मसाले हैं ये भी इसी टाइम डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जो रेगुलर स्पून होती है उससे सौंठ पाउडर, चिली फ्लेक्स मैं इसमें 1 स्पून के करीब डाल रही हूँ। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, मैं इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच आपने छोटी वाली से डालना है, और इसके साथ ही काली मिर्च डाल देंगे, वो भी आधी छोटी चम्मच। बस अब इसको दो चम्मच पानी डाल के पीस लेना है। अब इसमें डालेंगे नाप के पानी, ये 4 बड़े चम्मच हमने इससे पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बहुत अच्छे से पीसने के बाद एक कढ़ाई में इसको डाल लेंगे, गैस मैंने ऑन कर दी है, और इसको पका लेंगे। इसमें मैंने 200 ग्राम के करीब पानी डाला है, और इसके साथ 1 छोटी चम्मच के करीब सेंधा नमक डाल देंगे, और इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। अब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच, हमने पहले काली मिर्च डाली थी, आधी चम्मच और डाल देंगे इसमें। ये कुल मिलाकर 1 चम्मच काली मिर्च का यूज़ किया हमने, आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही सौंठ पाउडर आधी चम्मच। मिर्ची अगर आपको तीखा खाना है तो आप और बढ़ा सकते हो, मैं आधी चम्मच और बढ़ा रही हूँ क्योंकि टेस्ट करने के बाद ये थोड़ी फीकी फीकी सी लग रही थी। तो ये अब पकाना है इसको गाढ़ा होने तक, 7 से 8 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाया है हमने। अब गैस को बंद कर देंगे और वेट कर लेंगे इसका ठंडा होने का। अब इसको एक कांच के बाउल में निकाल लेंगे, आप इसको किसी कांच की बोतल में रख सकते हो और 10 से 15 दिन तक खा सकते हो फ्रिज में रख के। ये व्रत में भी खाने के लिए है और रूटीन में तो खाने के लिए है ही, और आपने यूज़ वैसे ही करना है क्योंकि अचार, चटनी, जैम, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम जब भी यूज़ करें सूखे चम्मच का यूज़ करें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती। तो खाने में बहुत बढ़िया, आपको बहुत पसंद आएगी, और आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।